BSSB सशस्त्र सीमा बल एग्जाम से पहले एक रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, जो आपके एग्जाम के अंदर काफी हेल्प रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करेंगे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ही आप करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा? सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य, फिर उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों आप सभी के लिए SSB ट्रेड्समैन्स के लिए 100 रुपये में 25 फुल प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। SSB के लिए अधिक जानकारी के लिए 9461041 पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर कीजिए, और आप हमारे ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको PDFs वगैरह देखने को मिलती है। मात्र 100 रुपये आपको पे करना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, या फिर डिफेंस एजुकेशन का ऐप मिलेगा, वो भी आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? विज्ञानवाद के थे बसु बंधु। कौन से दोस्तों? बसु बंधु आपका राइट आंसर है। इसका PDF फाइल आपको है ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। बोधिसत्व नैतिक और धर्म संसाधन साधना का मुख्य अंग माना जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों जीव का मात्र की कल्याण। अगला देखिए, मौर्य के पतन के बाद दक्षिणी एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापति किसने किया? कुषाण वंश ने। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा किया गया था। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? खाना बनाने के लिए मिथेन गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं? मिथेन गैस का प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन निम्न में से किस एकल का बहुलक है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। 6 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या पूछा? सही नहीं है। ओडोमीटर, ऑन्डोमीटर, ऑडियोमीटर, एमीमीटर, एमी एमीटर्स। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें देखेंगे ये शक्ति का मापक नहीं है, ये गलत हो गया, बाकी सभी सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत को क्या करते हैं? रिसलेट करते हैं। रक्त का पीएच मान कितना? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त सार है। कैसा दोस्तों? सार। 7 से जो अधिक है उसे सार बोलते हैं, जो 7 से कम है इसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और 7 जो 7 है उसे उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। तीनों आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अमरीका के किस देश ने $100 करोड़ का सैन्य सहायता की राशि दी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों लेबनान। क्या है? लेबनान। नेक्स्ट अगला देखेंगे, निम्न में से किस गुप्त सम्राट ने पराक्रम, देखिए पराक्रम की उपाधि धारण की थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम की दृष्टि से। 11 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर समुद्रगुप्त। नेक्स्ट अगला देखिए, चोल शासकों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किसके साथ होता था? क्या पूछा? विदेशी व्यापार किसके साथ? ईरान, चीन, पूर्वी एशिया, अफगान के साथ। चलिए इसका राइट आंसर चीन के साथ होता। किसके साथ? चीन के साथ। देखिए, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर लंग ने सबसे पहले आक्रमण किया था उस समय दिल्ली में कौन शासक था, दिल्ली में कौन सा राजा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों नासिरुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों? तुगलक वंश का नासिरुद्दीन बड़ा प्रभावशाली राजा था। प्रकाश का वेग अधिकतम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये निर्वात के अंदर सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक प्रोटीन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर, प्रोटीन होता है ये एग्जाम के अंदर, काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया। प्रोटीन की सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो सोयाबीन के अंदर होती है। चलिए ऑक्टेन, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता मापी, ऑक्टेन किसकी संख्या मापता है? खाद्य तेल, पेट्रोल, केरोसिन, सुगंधित तेल। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पेट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट पेट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोजन बम का कार्य सिद्धांत, क्योंकि जब एक परमाणु जो बम बनता है दोस्तों छोटे छोटे कणों को बनता है। अब इसमें सवाल क्या पूछा है कि हाइड्रोजन बम की कार्यकारिणी सिद्धांत कौन सा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चलिए ये सिद्धांत करता है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। देखिए जो
हाइड्रोजन बम है वो नाभिक के संलयन पर करता है, यूरेनियम होता है नाभिक के विखंडन पर। दोनों आपको ध्यान रखना, दोनों का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना। थायमिन विटामिन से संबंधित, विटामिन ए विटामिन बी विटामिन, देखिए ए का मतलब रतौंधी होता है, बी का मतलब थायमिन होता है। तो यहाँ पर दो 18 नंबर क्वेश्चन है, यस ए भी हो सकता है। अब इसके अंदर ए सी ए बी अलग अलग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, लेकिन फाइव बी। ये देखिए सतलंत काल में मंत्रिमंडल के प्रधान को क्या था? अभी जैसे हम बोलते हैं, जैसे राज्यसभा, राज्यसभा का जो प्रमुख होता है सीएम होता है, राज्यसभा विधानसभा, विधानसभा का प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। इसी प्रकार से पूछा मंत्रिमंडल का प्रधान क्या कहते हैं, जब प्राचीन काल की बात हो रही, इसे क्या था? वजीर ए मु मालिक, वजीर ए मु मालिक कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के शासन में कौन सा कर नहीं था? वेट, अभी चल रहा है जीएसटी वगैरह चल रहा है। अब फिरोज शाह तुगलक को नेहरों का जनक कहते हैं, नेहरों का जनक, ये सवाल पूछा गया। नेहरों का जनक किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। यस दोस्तों खिराज, क्या खिराज, कौन सा खिराज, खिराज खिराज। अगला देखिए अगस्त प्रस्ताव की घोषणा का उद्देश्य क्या? लिंथ गो ने अगस्त प्रस्तावना क्यों, उद्देश्य क्या था? जब वायसराय कौन था? लिंथ गो ने अगस्त प्रस्तावना। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर है युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए, युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। निम्न में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह? रट लीजिए दोस्तों, रट लीजिए, कांडला बंदरगाह जो गुजरात के अंदर है, कोलकाता बंदरगाह कोलकाता, पारादीप उड़ीसा, तूतुकुड़ी केरला। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? कांडला, कौन सा? कांडला। किसी तत्व एक्स की परमाणु संख्या 5, परमाणु द्रव्यमान 31 है, तो कितना नाभिकीय की न्यूट्रॉन बताइए? 26, 27, 28 और 36। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 26, कितने हैं? 26। यदि लकड़ी की वस्तु बनी वस्तु के रेडियो सक्रियता जीवित लकड़ी की तुलना में आधी है तो उस लकड़ी की आय क्या होती? लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी है ध्यान। 24 प्रश्न का राइट आंसर इज दोस्तों 5800 वर्ष। ये 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया 25, लेकिन मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। कोशिका की जैव क्रियाओं का नियंत्रण, कंट्रोल, 25 केंद्रक, एस्ट्रोजन स्राव होता है, एस्ट्रोजन स्राव होता है अंडाशय से। भारत में टोडा जनजाति निम्न में से कहां निवास करती है? टोडा दो बेटा ध्यान रखना 27, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर, पर नीलगिरी की पहाड़ी। सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी के ऊपर, किस नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर है, किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध परियोजना की बात करेंगे, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है 28 क्वेश्चंस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कन्याकुमारी में विशाखापट्टनम का मैदान क्या? कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम के जो मैदान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोरामंडलीय तट। क्या कहते हैं? कोरामंडलीय तट। अगला क्वेश्चन देखिए, आज 30 क्वेश्चन करेंगे, वीडियो कैसा लगा वीडियो से लाइक करेंगे। 7वीं सूची में संघ राज्य समवर्ती सूची का भाग है, भाग 11 अध्याय 1। और अभी 100 रुपए के अंदर 25 फुल प्रैक्टिस सेट आपको ज्वाइन कर लें, जो SSB है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका PDF फाइल है और जो बाकी क्वेश्चन है उसके PDF फाइल आपको WhatsApp के मिल जाएगा, जो भी है इसका जो PDF है वो WhatsApp पे आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों अधिक जानकारी के लिए। तो WhatsApp मैसेज कीजिए, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, आपके मन में कोई प्रश्न है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा मोटिवेशन होता है, तो हम जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।